ठीक है अर्चित, तो वो आएगा तब से। इससे पहले छोटा सा कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? छोटा सा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर वन। ये बोल रहा है 55% ऑफ 160 प्लस 24% ऑफ 50 माइनस, आपका बुक का ही क्वेश्चन है, 36% ऑफ 150। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा कठिन है। और क्वेश्चन 9.3% ऑफ 500 माइनस 4.1% ऑफ 250 है ना, माइनस 2.5% ऑफ 240। ठीक है, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अर्चित आवाज आ रही है? अर्चित क्लियर विजिबल है? आवाज आ रही है सर। अर्चित इस क्वेश्चन को लिखिए और सॉल्व कर दे, ठीक है? हम लोग इसको लिख रहे हैं सॉल्व। फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये देखिए पहला क्या बोल रहा है। ऑफ का मतलब 55%, 55% परसेंट हट जाएगा तो क्या आएगा, बाय 100 इंटू, ऑफ का मतलब इंटू, इंटू 160 प्लस 24% मतलब 24/100 इंटू 150, या माइनस है तो माइनस 36% ऑफ 150, ये 50 था सॉरी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एक शून्य से एक शून्य कट गया, ठीक है? बेटर होगा आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, बाय 10 कर लो, ठीक है? सबसे अच्छा होगा मल्टीप्लाई कर ले, बाय 10 कर ले। ये देखिए 52 जा और 2 से 12 टाइम्स, देखो 50 का टेल में 2 टाइम्स, 50 का टेल में 3 टाइम्स और 2 का टेल में 18 टाइम्स, ठीक है? चलो उसको करते हैं मल्टीप्लाई। देखो 55 को 16 से गुना करना, करेक्ट? करेक्ट, तो पता है इंटू फोर करना आसान होता है। आप क्या करो 55 इंटू फोर करो और फिर इसको फिर चार गुना कर दो, हो गया ना 55 इंटू 16 हो गया ना। 55 को चार गुना करो, फिर जो आंसर है उसको फिर चार गुना करो, इंटू 16 हो जाएगा, इसका चार गुना हो जाएगा 220। 55 इंटू फोर 220, 220 को अगर चार गुना करोगे तो कितना जाएगा 880, करेक्ट? 880 डिवाइड बाई 10, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 12, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 54, ठीक है? ये कट गया, कितना हुआ 88 प्लस 12 माइनस 54, 88 प्लस 12 कितना हो गया 100, 100 से 54 माइनस हो गया तो कितना हो गया आंसर 46, गॉट इट? 46 समझ में आया? यस सर। एवरीवन आयुष यादव आया है क्या? नहीं सर, नहीं आया। हेलो, नहीं सर नहीं आया है। हेलो अर्चित, ठीक है ये हो गया, पहला का सॉल्व हो गया। ये वाला क्वेश्चन लिख ले, ये वाला क्वेश्चन लिख ले और बनाए, ये वाला सेकंड वाला। आई होप लिख लिए होंगे, ठीक है? रब कर दूं,
अगर आप सेकंड का बना सकते हैं तो बनाइए, सेकंड का बना सकते हैं तो बनाइए। बस ये बोलो आप, मैं जो बोल रहा हूँ आपको बस दिख रहा है, अगर आवाज, अगर आपका नेटवर्क इश्यू है तो अगर मैसेज कर दो, एक बार मैसेज कर दो, मैसेज कर दो। सर कोई है? ये वाला हो गया। हेलो अर्चित, आवाज आ रही है आपको? हाँ, कौन सा बनाना है? मैसेज में टेक्स्ट कर दो एक बार, यस सर। मैं बहुत धीरे पढ़ाऊंगा, ठीक है? एक बार यस कर दो, समझ में आ जाएगा। यस सर। हेलो, से यस हेलो इफ यू आर गेटिंग इट। हेलो, चलिए ठीक है, पहला वाला तो हो गया, पहला वाला हेलो, सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। हेलो, सेकंड वाला भी क्या करेंगे अन्ना? 9.3 है तो 9.3 बस इसको प्लस माइनस करने में थोड़ा ये है, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। डेसिमल हटाओगे तो नीचे भी एक और जीरो आ जाएगा, ठीक है? डेसिमल हटाएंगे तो नीचे भी एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो, एक जीरो कट गया। अब देखते हैं कुछ कटता है क्या? नहीं, यहाँ तो ऐसा है ना, सॉरी डेसिमल, हाँ डेसिमल हटे जाते एक और जीरो लगता है। 93 को 5 से मल्टीप्लाई करें, बेटर होगा। 9.3 को करते हैं ज्यादा आसान होगा, ठीक है ना? 9.3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 95 जो कितना होता है 45, डेसिमल 35 जो कितना होता है 15। अब 15 मत कर देना, 15 मत कर देना, ठीक है? ये 15 का 5 होगा क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद एक ही प्लेस था, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक ही प्लेस रहना चाहिए। ये वन कहाँ हो जाएगा? इधर कैरी हो जाएगा, हो जाएगा इधर कैरी, ठीक है? ओके 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 ओके, बाय हंड्रेड, हाँ 25, देखो बाय हंड्रेड है, ठीक है? बाय हंड्रेड है, फोर टाइम्स कट जाएगा, फोर से ये कट जाएगा, और 12 टाइम्स, करेक्ट? कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ 12 बचा, माइनस ये 25 के टेबल में 4 टाइम जाएगा, ये 4 के टेबल में कितना जाएगा? 6 टाइम जाएगा। यहाँ क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 6 बचा, ठीक है? हेलो, करोगे माइनस कितना हो जाएगा? 18, 46.5 में से 18 माइनस करेंगे, हेलो 46 में 18 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 28, और ये डेसिमल 5 रह जाएगा मेरा। कोई डाउट? तरह का सिंपलीफिकेशन का एक क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है? हेलो, ठीक है? तो देखो, मान लो ये सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक का है, बिल्कुल चैप्टर का स्टार्टिंग का है। तो 9.3% का मतलब क्या हो गया? चलो मैं फिर से सॉल्व कर देता हूँ, फिर से मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर से मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? 9.3% परसेंट हट गया तो क्या हो जाएगा? बाय 100, वेरी गुड। ऑफ मतलब इनटू, ओके, माइनस
4.1% ना तो सिंपली बाय 100 इनटू 250, फिर माइनस क्या है 2.5% इनटू 240, ठीक है? आई होप इट्स क्लियर। हेलो कट देते हैं, देखो कट रहा कट रहा कट रहा कट रहा, डेसिमल हटा फिर बाय जीरो, एक जीरो एक जीरो कट गया, एक जीरो डेसिमल हटा फिर बाय जीरो, एक जीरो एक जीरो कट गया। ओके अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखो 5 का टेबल में 2 टाइम्स क्या हो गया 93 बाई 2 का मतलब कितना होता है 46.5, ठीक है? हेलो हाँ जी बोलो बोलो। हेलो हाँ हाँ आवाज आ रही है सर? अर्शद को शायद नहीं आ रही है आवाज, इसलिए हेलो हेलो बार बार करता हूँ। अच्छा ठीक है, आपको आ रही है ना? आपका नाम क्या हुआ? शुभजीत। हाँ शुभजीत, हाँ बिल्कुल सिंपलीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। हेलो अर्चित अपना माइक ऑफ कर दो, ठीक है? अर्चित माइक ऑफ कर दो, ठीक है? शुभजीत क्लियर? शुभजीत इज इट क्लियर? यस सर। ओके चलिए, तो मैंने बस क्या किया सिंपलीफिकेशन वाला क्वेश्चन था, बस डेसिमल हटाया वगैरह काटना शुरू करेंगे। तो 25 के टेबल में 4 टाइम्स, ठीक है? ये तो 5 के टेबल में काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 4 का टेबल में 4 1 4 फिट आ गया, 12 टाइम्स कट गया, वेरी गुड। ये देखो 25 बचा, नीचे 100 है, तो 25 4 100 होता है, ये 4 का टेबल में 6 टाइम्स, ठीक है? यहाँ इसको सॉल्व किया 93 बाई 2 कितना होता है, अच्छा लिख सकता हूँ 93/2 है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ 12 हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 6 बचा है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 46.5, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 18, 46 में 18 किया तो हो गया 28.5 आंसर। सुभजीत गॉट इट? यस सर। ओके वेरी गुड, लिख लीजिए लिख लीजिए, इससे भी हम एक पहले क्वेश्चन दिए थे लेकिन नो इश्यूज, लिख लीजिए। बिल्कुल धीरे चलेंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल धीरे चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, जब तक नहीं समझ में आएगा नहीं चलेंगे, ठीक है? अगर आप लिख लिए तो बोलो हाँ सर लिख लिए। अगर आप लोग लिख लिए, शुभजीत लिख लिए, शुभजीत शुभजीत क्लियर है, विजिबल है? यस सर, हमको हमको सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। वेरी गुड, लिख लिए आप? यस सर। ओके वेरी गुड, ठीक है, आपका अच्छा आवाज ऑडियो क्लियर आ रहा। हेलो हाँ जी बोलो। हाँ सर आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। अभी भी कम आ रहा है? हाँ सर बहुत कम आ रहा है, हम दो बार रिकनेक्ट भी किए फिर भी कम आ रहा है। मेरे ख्याल से इंटरनेट इशू है, क्योंकि जो शुभजीत है ना इसको बहुत ही क्लियर आ रहा है, और शुभजीत का आवाज भी मुझे बहुत ही क्लियर आ रहा है। ठीक अगर कुछ दिक्कत होगा तो मैसेज टाइप कर देना, नहीं तो मैं बहुत ही धीरे पढ़ाऊंगा, इतना धीरे पढ़ाऊंगा कि समझ में आ जाएगा बिल्कुल भी, करेक्ट? बहुत धीरे पढ़ाऊंगा। ओके अब हम लोग जो सीखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक वो है परसेंटेज इंक्रीज या फिर परसेंटेज डिक्रीज, है ना? मैं लिख रहा हूँ टॉपिक बहुत धीरे, परसेंटेज इंक्रीज और या फिर डिक्रीज कि भाई भाई बताइए। मैंने जब मेरा फर्स्ट टेस्ट हुआ था तब मेरा 100 में आया 70, और मेरा जो सेकंड टेस्ट हुआ उसमें मेरा 100 में आया 80, तो भाई इंप्रूव तो हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ सर, ये इंप्रूवमेंट को परसेंटेज चेंज में दिखाना है, ठीक है? ठीक है
मान लीजिए पहला टेस्ट में मुझे आया कितना आया 70, करेक्ट, फर्स्ट टेस्ट में। फिर सेकंड टेस्ट में मुझे कितना आया, मुझे आया 80। फर्स्ट टेस्ट में मुझे आया 70 आउट ऑफ 100, निश्चित रूप से आउट ऑफ 100 है। तो भाई इंक्रीज तो है ना, इंक्रीज है, बिल्कुल है। इंक्रीज कितना का इंक्रीज है, कितना का इंक्रीज है, फाइनल माइनस इनिशियल 10 नंबर का भाई इंक्रीज है, करेक्ट। अब इसी इंक्रीज को बोलेगा कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, क्या कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो अगर मुझे परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, अगर मुझे परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो हम लोग क्या देखेंगे, कितना का इंक्रीज हुआ, डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड हमेशा इनिशियल वैल्यू या फिर ओरिजिनल वैल्यू से किया जाता है। इंक्रीज हुआ, हाँ हुआ, किससे इंक्रीज हुआ, इससे इंक्रीज हुआ, ठीक है। इसको आप लोग ओरिजिनल कह लो, ओरिजिनल कह लो या फिर इनिशियल वैल्यू कह लो, ठीक है। ओरिजिनल, ओरिजिनल इंटू 100, ये हो गया मेरा परसेंटेज इंक्रीज। इस केस में बताओ कितना का इंक्रीज हुआ, 10 नंबर का इंक्रीज हुआ। किससे इंक्रीज हुआ, मतलब ओरिजिनल वैल्यू क्या रहा मेरा, 70 रहा, इंटू 100, 100 कट गया, कितना आया 100/7। 100/7 कितना होता है, ये होता है 14.28%, ठीक है। कितना हुआ, 14.28%। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब आप सब डिवाइड, मुझे ये फ्रैक्शन पता था, ठीक है, 1/7 का मतलब होता है 14.28, लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं, नॉर्मली आप लोग डिवाइड को वैसे जैसे आप लोग करते हो वैसे, ठीक है, ऐसे करते हो ऐसे 4 times 28 इस तरह से डिवाइड करते हैं ना, फिर डेसिमल हटाए, फिर जीरो डाले वगैरह, बिल्कुल वैसे ही करना, ठीक है। तो ये हो गया परसेंटेज इंक्रीज। सिमिलरली परसेंटेज डिक्रीज भी होगा, अगर ये हो गया मेरा परसेंटेज इंक्रीज। बस ध्यान क्या देना है, डिवाइड क्या रहना चाहिए, ओरिजिनल क्या रहना चाहिए, कितना बढ़ा या कितना घटा, डिवाइड बाय ओरिजिनल, ठीक है, ठीक है। यस सर, आप लोग का पेन बस धीरे धीरे चलते रहना चाहिए, धीरे। तो मैं फिर से कहा, पर कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, इसके लिए क्या करेंगे, कितना इंक्रीज हुआ डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू या फिर है ना इंटू 100, ठीक है। सिमिलरली अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कितना डिक्रीज, कितना परसेंटेज का डिक्रीज हुआ, तो क्या करेंगे, कितना डिक्रीज हुआ डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, करेक्ट। ये कॉन्सेप्ट है परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का, ठीक है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। चलो इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो क्वेश्चन ये है कि 125 रुपए का सामान है, ठीक है, 125 रुपीज का कोई भी कॉस्ट है, वो एक महीना बाद 150 रुपया का हो गया, कितना हो गया 150 रुपया का हो गया, तो बढ़ तो गया, वेरी गुड, बढ़ गया, लेकिन अब पूछेगा कितना परसेंट बढ़ा। जो परसेंट इंक्रीज डिक्रीज होता है ना, सब कुछ बेस वैल्यू होता है, वो बेस क्या होता है, ये ओरिजिनल, इसके कंपैरिजन में बढ़ा, तो डिवाइड किससे करेंगे, 125 से, वेरी गुड। तो परसेंटेज इंक्रीज हम निकाल रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज हम लोग निकाल रहे हैं, कितना का इंक्रीज हो बताओ, तो 125 रुपए का सामान 150 रुपए में हो गया, कितना का इंक्रीज हुआ, 25 रुपीज, वेरी गुड, 25 रुपीज। डिवाइड किससे करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, ठीक है। तो ये 25 का टेबल में एक्चुअली पता है मुझे, 5 टाइम्स कट रहा है, ये 5 से देखो 2, तो कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ, 20% का इंक्रीज हुआ, 20% का, वेरी गुड, 20% का इंक्रीज हो गया, लिख लीजिए आप। अक्षित समझ में आ रहा है, अक्षित, हाँ सर, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है, धीरे पढ़ा रहे, बिल्कुल धीरे पढ़ा रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए सिमिलरली मिटा देता हूं मैं, धीरे धीरे मिटा रहे, ठीक है, आसान चीज है, धीरे धीरे मिटा रहा। तो क्वेश्चन हमें दूसरा सा क्वेश्चन है, वही है सेम, 125 रुपए का सामान 100 रुपया हो गया, बताइए क्या हुआ, घटा कि बढ़ा, निश्चित रूप से घटा है, तो ये क्या हो गया, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ, क्वेश्चन है कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ,
कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, कितना घटा बताओ तो। एक सेकंड बच्चों आ रहा हूँ, बताओ तो आंसर क्यों निकालो। सर 75 रुपीज। ठीक है बच्चों, कितना का डिक्रीज हुआ, डिक्रीज के स्पीड आए 25 रुपए खड़े। डिवाइड किससे होगा, डिवाइड हमेशा ओरिजिनल से होगा, इससे मत कर देना, हमेशा ओरिजिनल, हमेशा ओरिजिनल इनटू 100। सेम बिल्कुल क्वेश्चन है, ये भी 20% से घट गया, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है चलो, बना लिया हो गए थे। चलो अब छोटे छोटे को कुछ लो, तीसरा नंबर वाला छोटा क्वेश्चन चलो निकालो। 6.25 हो गया मेरा 7.5 हो गया मेरा 7.5। हमको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, चलो ठीक है इतना ही है। 6.25 हो गया 7.5, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ बताइए, बताओ आप लोग, बताओ बताओ ये खुद करके। अगर 150 रुपया 300 रुपया हो गया तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ बताइए। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन है। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ 3। यार हमको समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया, नहीं सर। परसेंटेज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो ये अगर निकालना है। अरे भाई सौ, लेकिन इस 50 रुपया को मुझे परसेंटेज में लिखना है, इस 50 रुपया को मुझे परसेंटेज में लिखेंगे हम, देखेंगे कितना बढ़ा या फिर कितना घटा। डिवाइड किससे करेंगे वो इंपॉर्टेंट, डिवाइड किससे करेंगे, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से। तो 6.25 देखो 7.5 हो गया, तो ओरिजिनल वैल्यू कौन है, ओरिजिनल वैल्यू कौन है, 6. बोलो ओरिजिनल वैल्यू कौन है, 6.25। हाँ बोलो, यस हाँ ना। तो देखिए तो कितना परसेंट आप शुभोहित निकाले, आप आपने निकाला क्या है ना, परसेंटेज इंक्रीज, देखें कितना इंक्रीज हुआ, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो कितना इंक्रीज हुआ उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनल माइनस, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा ना, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा ना। चलो आप डायरेक्ट माइनस करके मुंह से भी माइनस कर सकते हो, नहीं तो अगर नहीं आता तो इसे करो। डिवाइड किससे होगा, डिवाइड हमेशा, डिवाइड हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से होगा, इनटू क्या हो जाएगा 100 है ना। तो 7.5 का यहाँ देखो डेसिमल के बाद दो प्लेस है, यहाँ डेसिमल के बाद एक प्लेस है, तो नंबर ऑफ प्लेस के लिए हम 0 लगा दिए। कोई डाउट, कोई डाउट। तो देखो डेसिमल के बाद 50 है, डेसिमल के बाद 25 है, तो 50 में 25 गया तो 25 बचा डेसिमल के बाद। यहाँ 7 है, डेसिमल के पहले 7 है, डेसिमल के पहले 6, 7 में 6 गया तो 1 बचा। डिवाइड बाय कितना हो गया, 6.25 इनटू 100 इनटू 100। तो देखो डेसिमल हटा, नीचे 2 जीरो आया होगा, बोलो ये डेसिमल हटा तो ऊपर 2 जीरो आया होगा, ये पता है कि नहीं सुबोहित, सुबोहित हाँ सर आगे से।
है ना। देखो ये डेसिमल के बाद तो कितना, दो नीचे दो जीरो आएगा क्योंकि वहां जगह नहीं बच रहा है, और डेसिमल के बाद ऊपर में दो जीरो आएगा, वो तो कट जाएगा, कट जाएगा। अब 125 के टेबल में एक्चुअली ये 5 टाइम्स कटता है, ठीक है, नहीं तो आप 5-5 से भी काट सकते हो। 5 से कितना हो गया 20, आंसर कितना हो गया 20%, क्या हो गया ये वाला बनाइए। कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 150%? नहीं, हाउ कैन यू से 150%, दैट इज नॉट ट्रू। 150 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम पूछ रहे हैं, वैल्यू नहीं। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, मतलब सीधा आंसर पूछ रहा हूँ, कितना परसेंट? 50%? नहीं, परसेंटेज इंक्रीज बताओ, कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ बताओ, 150 रुपया का सामान 30 रुपये मिल रहा था, कितना इंक्रीज हुआ बाय वैल्यू, वैल्यू। अरे 5 रुपये का चॉकलेट है 7 रुपये मिल रहा, तो आप बोले 2 रुपया बढ़ गया, वही 150 रुपये सामान 300 रुपये का, कितना रुपये बढ़ गया, क्या करेंगे, 300 माइनस 150 बढ़ेगा ना, कितना होगा 150। डिवाइड हम क्या बोले थे, डिवाइड किससे करना, डिवाइड किससे करना, ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल वैल्यू कितना है 150 into 100, तो कट गया, कितना आया 100% इंक्रीज, 100% इंक्रीज हुआ। अच्छा ये हम क्वेश्चन क्यों दिए, ये हम क्वेश्चन इसलिए दिए, देख रहे हो 150 रुपए का सामान 300 रुपए, तो कितना गुना हुआ, 2 गुना, कितना गुना हुआ, 2 गुना का मतलब होता है 100%, 2 गुना का मतलब होता है 100%, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है, 100% का इजाफा हुआ, इंक्रीज हुआ। तो ऐसा हम क्यों इंपॉर्टेंट बोले, क्योंकि देखो चलो 10 रुपए की चाय 20 रुपए में, तो बोलो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, 2 गुना हो गया ना, 2 गुना हो गया ना, तो 2 गुना का मतलब कितना परसेंट, 100%। देखो मैं देखता हूँ, अगर कोई भी चीज 2 गुना हो गई है तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ होगा, 100%, समझ में आया बच्चों। अगर मान लो कोई भी चीज 3 गुना हो गई, 3 गुना डजंट मैटर, जैसे कि एग्जांपल लो, एक एग्जांपल लेते हैं, 50 रुपया का कॉफी 150 रुपया हो गया, क्या 3 गुना हो गया, देखो तो क्या ये 3 गुना हो गया, हेलो 3 टाइम्स नहीं हो गया, देखो तो 3 टाइम्स हो गया, तो अगर ये 3 टाइम्स हो गया तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो इसके से परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं, बताइए कितना परसेंटेज हुआ, तो कितना बढ़ा बताओ, कितना रुपए बढ़ा, 50 रुपए का सामान 150 रुपए में हो गया, कितना रुपए बढ़ गया, 100 रुपीज बढ़ गया, वेरी गुड, डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू सर कितना है, 50 इंटू क्या हो जाएगा 100, 50 से 2 टाइम्स कट गया, तो कितना हो गया 200% हो गया, समझ में आ रहा है ना, अब देखो पैटर्न दिख जाएगा, तो 3 गुना का मतलब कितना हो गया 200%, तो मुझे आप लोग में से कोई क्या कोई बता पाएगा, क्या कोई बता पाएगा 4 गुना का मतलब कितना परसेंट इंक्रीज होगा, कोई भी सामान अगर 4 गुना हो गया तो कितना परसेंट इंक्रीज होगा, वो 300% इंक्रीज होगा, समझ में आ रहा है, पैटर्न देखो तो मुझे कोई बताओ, अगर कोई भी गुना 7 गुना हो गया तो कितना परसेंटेज का इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ, तो 2 है तो 1, 3 है तो 2, 4 है तो 3, 7 हो गया कितना होगा,
600% का इंक्रीज हुआ। क्या बच्चों आप लोग ये समझ में आ रहा है? बोलो किसी को बोलो, अगर कोई भी चीज 11 गुना हो गई हो तो कितना परसेंट का इंक्रीज होगा, कौन बताएगा? अगर कोई भी चीज 11 गुना हो गई, ऐसे जनरली होता नहीं है लेकिन फिर भी मैं, अगर कोई भी चीज 11 टाइम्स हो गई हो तो कितना परसेंट इंक्रीज होगा, कितना परसेंट इंक्रीज होगा? 11 है ना, 11 से घटा दो कितना हो गया 10, और साथ में 0 0 लगा दो, 1000% का इंक्रीज हुआ। क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो यस सर। है ना, एक एग्जांपल लेके देख लो खुद, कोई डाउट नहीं है। चलो 20 रुपया का सामान 200 रुपया में बिक रहा है, 20 रुपये का सामान 200 रुपये में बिक रहा है, ऐसा होता है होर्डिंग में, हाँ जैसे प्याज वगैरह कभी कभी हो जाता है, तो देख लो 10 गुना हो गया ना बच्चों, 10 टाइम्स हो गया ना, दिख रहा है, दिख रहा है, 150 हो गया। सर ये वाला समझ में नहीं आया, नहीं समझ आ रहा है आवाज, मतलब जो 50 या बोले 150 हो गया तो फिर कितना ये किया बराबर, क्या चीज बनाए तो नहीं बन रहा है, तुम अपने से लेके देखो, अपने से लेके देखो, कोई भी एग्जांपल ले लो, एक बार 2 गुना कर दो प्राइस को, एक बार प्राइस को 3 गुना कर दो, एक बार प्राइस को 4 गुना कर दो, एक बार 7 गुना कर दो, एक बार 11 गुना कर दो, देखना यही ही आएगा, ठीक है? एक एग्जांपल हम देते हैं, देख लो एग्जांपल देते हैं, चलो चलो हमको कितना करना, 4 गुना करके देखते हैं, 4 गुना, चलो 4 गुना करते, कोई भी प्राइस लो, 10 रुपए का लो, 10 रुपए का चॉकलेट, इसका 4 गुना कितना होगा बताओ, कोई कोई बताएगा? बोलो बोलो, 10 रुपए का चॉकलेट को अगर 4 गुना महंगा करते तो कितना रुपए बिकेगा बताओ, बोलो बच्चो, बोलो बच्चो, बोलो, अरे बोलो, 10 रुपए का चॉकलेट को अगर 4 गुना महंगा करते हैं तो कितना रुपया होता है? नहीं समझ मारा है? 40 रुपीज। हाँ 40 रुपीज, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो मुझे परसेंटेज इंक्रीज निकाल के बताओ। चलो परसेंट 4 गुना कर रहे ना तो 300% आना चाहिए ना, देख लो परसेंटेज इंक्रीज निकाल के बताओ। चलो क्या करते हैं, कितना का इंक्रीज हुआ, कितना रुपया बढ़ गया देखो तो, कितना रुपए का इंक्रीज हो गया, कितना रुपए बढ़ गया, कोई बताएगा? बोलो जुगुची दाव बोल, कितना रुपए का इंक्रीज हुआ? 30 रुपीज, करेक्ट, 30 रुपए बढ़ गया। डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से करेंगे, ठीक है? इनटू क्या कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो 1010 कट गया, क्या आया 30 × 10, 300% आया कि नहीं आया देखो तो, 4 गुना का मतलब 300%, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है? हालांकि ये सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं ऐसे कॉम्प्रिहेंशन के लिए समझा रहा हूँ। 50 रुपीज का जो चीज था वो 150 का वो कैसे बना, कौन सा 150 का 150 50 रुपया का सामान हो रहा है 150 रुपया में, तो दिख रहा ना 3 गुना। चलो इसमें कितना का परसेंटेज इंक्रीज हुआ, हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बताओ कितना रुपया बढ़ गया, 100 रुपए। वेरी गुड, डिवाइड किससे करेंगे, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से, ओरिजिनल वैल्यू कितना है 50, इनटू क्या कर देंगे 100, है ना सर, 20% कितना हो गया, 200% नहीं हो रहा देखो तो, देखा 3 गुने का मतलब 200%, समझ में आया? मतलब हम पैटर्न दिखा रहे हैं, तो कोई मुझे बताएगा 5 गुना का मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ होगा, क्योंकि 2 गुना तो यहाँ पे 1 कम, 2 से कम, सॉरी डबल जीरो लगा दे, 100%। वेरी गुड वेरी गुड, यही तो मैं चाह रहा था, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, बड़े बड़े लोग, ठीक है आप लोगों को पता चल गया, बहुत अच्छी बात, समझ में आ रहा पैटर्न दिखा,
जितना टाइम सोता है उससे बस एक काम कर दो और दो जीरो लगा दो, ठीक है? तो मुझे बताओ 21 टाइम्स का मतलब कितना हुआ? 21 टाइम्स का तो कितना होगा 20, कितना होगा 20, जहां साथ में दो जीरो लगा दो, परसेंट बढ़ गया। समझ में आया? इतना परसेंट का, इतना रेट कभी किसी का बढ़ता नहीं है बच्चों, ठीक है? जैसे एग्जांपल दिए सर, इतना रेट किसी का नहीं, जनरली क्या होता है 5% 10% ऐसे ही बढ़ता है, 10% 15% ऐसे ही बढ़ता है। मैं बस समझाने के लिए लिख रहा। समझ में आया अक्षित? अक्षित यस सर। पक्का? तुम बताएगा तो 12 गुना का मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ होगा, कौन बताएगा? बताओ, तुम्हें बताओ कितना परसेंट इंक्रीज हुआ होगा। आए 12 से एक कम कर दीजिए, 11, 100% का हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ये लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। ये कोई काम का नहीं है, ठीक है? हम बस अपने से एक्स्ट्रा समझाए। समझ में आया आप लोग को? काम का तो है मतलब, लेकिन फिर भी ऐसे स्कूल में नहीं पूछेगा, ठीक है? ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा, ठीक है बच्चों? समझ में आया? आपका सुबोहित कौन सा स्कूल है? सुबोहित, सुबोहित किनोबली, आवाज नहीं आ रही है, ठीक है? अब देखो इस परसेंटेज और परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज को देखो कैसे पढ़ाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। मान ले तुम्हारा मार्क्स था 78, एक्चुअल मार्क्स था, लेकिन टीचर से गलती से लिख दिया 87, उल्टा लिख दिया है ना, 78 को लिख दिया टीचर 87, तो आपका एक्चुअल मार्क्स इतना था लेकिन टीचर पढ़ दिया उल्टा। असली में तो बोलेगा रहने दो, बड़ा अच्छा यार, ज्यादा मार्क्स आ गया, रहने दो, लेकिन टीचर गलत रीड किया ना। अब टीचर गलत रीड किया तो निश्चित रूप से कितना परसेंट वो बढ़ा के बताया, कितना परसेंट बढ़ा के बताया, कितना परसेंट इंक्रीज किया, क्या करेंगे, कितना परसेंट इंक्रीज हो गया रॉन्ग रीड करने का। तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अच्छा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो भाई कितना नंबर का इंक्रीज हुआ बताओ। तो 78 नंबर था आपका टीचर, उल्टा 87, कितना नंबर का इंक्रीज हुआ बोलो सर? 11 11 नहीं, हट तो 9 जोड़ने नहीं आता तुम लोग को, डिवाइड हमेशा किससे करेंगे, ओरिजिनल नंबर से इनटू 100, ठीक है? डेसिमल वगैरह में आएगा, ठीक है? तो इसमें हम कैलकुलेट नहीं करें, डेसिमल वगैरह में आएगा, तो इस पर बेस हम कोई क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, दो टो क्वेश्चन लिख रहे हैं है ना, थोड़ा चलो एक सेकेंड। चलो क्या दू, चलो मैं ये देता हूँ ऊपर 3.625 को है ना रॉन्गली रीड किया गया है, रॉन्गली रीड, इसको गलत रीड किया एज ऐसे 3.625 को गलत पढ़ दिया, 3.265 कर दिया, तो मुझे बताओ ये गलत रीड क्या, बढ़ा के रीड किया घटा दिया, देखो तो क्या कर दिया, क्या कर दिया, बढ़ा दिया, बढ़ा कैसे दिया, ये एक्चुअल था, ये 3.625 था और इसको रीड किया ऐसे, रीड कर दिया 3.265, रीड क्या किया कम कर दिया मतलब घटा दिया, क्या हो गया घटा दिया तो कितना परसेंटेज चेंज, ऐसे बोलेगा परसेंटेज चेंज निकाले, कितना परसेंटेज चेंज निकाले करेक्ट, या फिर कितना परसेंट इंक्रीज,
तो इस केस में क्या हो रहा है, घट रहा है ना, घट रहा है ना, हम लोग लिखेंगे कितना का डिक्रीज हुआ, डिवाइड बाय हमेशा इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, जो भी है हम लोग ओरिजिनल लिख रहे हैं तो ओरिजिनल लेके चलते हैं, डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू क्या कर देंगे 100। तो कितना घटा क्या करेंगे, कितना डिक्रीज हुआ कौन बताएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, बड़ा कौन है ये है ना, इन दोनों को माइनस करो, तो 3.625 में से माइनस कीजिए 3.265, माइनस करो, ऐसे माइनस करेंगे, ऐसे करते हैं तो डेसिमल के इधर, डेसिमल के तीन तीन है वो तो घट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, और डेसिमल के बाद माइनस करते हैं, पांच और पांच गया जीरो, ये दो है ये छह है, दो है तो एक कैरी लेंगे ना, रहेगा ना बारह हो जाएगा ना, बारह में से छह गया तो छह, अभी कैरी लिया होगा तो यहाँ कितना बचा होगा पांच, पांच में से दो गया तो सर 0.60, अब इतना घट गया 0.0 को ज्यादा ले लिया, एक सेकंड 265, हाँ सही तो है 35, हाँ सही है 0.36, इतना घट गया, किससे घटा भाई, किससे घटा, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू ये है, ये कितना परसेंटेज डिक्रीज होगा हम लोग निकाल रहे हैं, कितना परसेंटेज डिक्रीज होगा है ना, कितना घटा, इतना घट गया, डिवाइड बाय 3.625 इंटू क्या कर देंगे 100, गॉट इट, क्लियर सर, आप पॉइंट को उड़ा देंगे, हाँ पॉइंट को उड़ा देखो, ये पॉइंट उड़ गया तो पॉइंट के बाद नीचे आएगा है ना, वैसे उड़ा सर, ये पॉइंट उड़ गया तो पॉइंट के बाद ऊपर आएगा, कितना तीन प्ले तो कट गया, कटना ही था, हम लिख भी सकते थे नहीं भी लिख सकते, चलो नहीं कुछ मैटर नहीं करता, अब क्या करेंगे, पाइप से करेंगे, पाइप से काटते हैं, ठीक है, पाइप से काट दिया, पाइप से काटोगे तो हो जाएगा 20 टाइम, पाइप से काटोगे तो देखो ये हो जाएगा 5 7 35, काटने आता है ना बच्चों, काटने आता है ना, 5 7 35, तो कितना बच गया, दो दो इसके आगे आ जाएगा 22, कितने टाइम्स, फोर टाइम्स बच गया, दो दो यहाँ आ जाएगा 25, पांच कितना 140, ठीक है, अब कटेगा फोर से नहीं कटेगा, चलो इन दोनों काटते हैं, इन दोनों काट, समझ में आ रहा है ना, काट रहे जो, यस सर, चलो काटते हैं, तो ये रहा 5 times काटेंगे, तो 5 से यहाँ देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 times हो गया 10, हाँ तो बच गया 4, 4 यहाँ आ जाएगा तो 9.45, 9 times हो जाएगा, ठीक है, इसको 5 से काटिए, ये हो जाएगा 5 7 times 35, हाँ तो बच गया 1 आगे आ जाएगा 10 बजे, अब नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं कटेगा, ठीक है, तो 72 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 24 जा देखो यहाँ कितना होता है 8, 74 जा कितना होता है 28, डिवाइड बाय किससे करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे 29 से, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर है ना, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, तो ये देखो कितना आंसर हुआ, कितना आंसर हुआ, अब देखो 10 times करेगा तो इतना 10 तो नहीं होगा, ये 9 point something होगा, ठीक है, कितना होगा 9 point something होगा, ये देख लो 29 कैसे करते हैं ना, ये 9 से गुना करोगे 290 में 30 हटाइए 261 हो जाएगा 9 times, कितना हो गया भाई, ये हो गया ठीक है 27, फिर जीरो तो क्या डेसिमल देने के बाद ये भी कितना 9.9, ठीक है 9.9%, समझ में आया बच्चों, बस डिवाइड कर दिया, करेक्ट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा सकता है, गलत चीज पढ़ना मतलब वही कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ, इस टाइप का बिल्कुल रियल लाइफ क्वेश्चन है, ऐसा आता है मान लो डिवाइड नहीं हुआ, जैसे कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, मान लीजिए बढ़ गया है ना 10% से इंक्रीज हुआ, तो आप निश्चित रूप से अगर आपको खर्चा उतना ही करना है तो कितना पेट्रोल कम लोगे, इस तरह का क्वेश्चन
भी आता है, लेकिन अभी नहीं करेंगे उस टाइप का, पहले ये बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। मतलब बताना चाह रहे थे इसका बहुत ही रियल लाइफ एप्लीकेशन है। मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, परसेंटेज। लिख लिए, बोलो हाना। हाँ सर लिख लिए। आप सुबोहित लिख लिए सर, लेकिन ई नहीं हो रहा, क्या नाम है, डिवाइड नहीं। डिवाइड तो कर दिया मैंने, तो किया आप किए थे, ओ हम अपने से कर रहे थे, हम किए थे, ठीक है साइड में। क्लियर आ रहा है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन देखो, और कॉम्प्लिकेट, आपका बुक का ही क्वेश्चन है ये, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। देखो इसको रॉन्गली रीड किया गया है ना, इसको 5.78 × 10³ को इज रॉन्गली रीड एज, इसको गलत पढ़ लिया गया। क्या पढ़ लिया गया, पढ़ लिया गया 5.87 × 10³। तो मुझे बताना, देखो पहले बताओ ये बढ़ा दी कि घटा दी। देखो तो 5 10th power 3 10th power 3 तो है ही, क्या कर दी 5.87 कर दी, क्या कर दी इंक्रीज कर दी, क्या कर दी बढ़ा दी ना, बढ़ा दी। तो मतलब कितना परसेंट इंक्रीज की होगी, यही क्वेश्चन होगा है ना, परसेंटेज इंक्रीज वाला ये क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, किससे बढ़ा, किससे मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल कौन होगा, ओरिजिनल में से ये वाला वैल्यू इनटू क्या कर देंगे बच्चों 100। कोई डाउट है ना, कोई डाउट। अब कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज क्या करते हैं, बड़ा मैंने छोटा करते हैं ना, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इनमें इसमें ही घटाएंगे। तो 5.87 × 10³ में माइनस कर देंगे हम लोग 5.78 × 10³। समझ में आ रहा है, यस सर। हाँ, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 5.87 है ना, ये 5.87 और माइनस करेंगे 5.78 × 10³, ठीक है। 87 में से 7 माइनस हो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.9, कितना हो जाएगा है ना, होगा 7 में से 8 गया तो जाता नहीं है, 17 नहीं, 17 में 8 गया तो 9। समझ में आया, माइनस किए हम लोग। अब 9 मत लिख देना, पॉइंट 9 मत लिख देना, क्यों, पॉइंट के बाद यहाँ दो प्लेस है, पॉइंट के बाद यहाँ दो प्लेस है, तो आंसर अभी पॉइंट के बाद दो प्लेस होना चाहिए। तो अगर पॉइंट 9 लिख दिया तो गलत नहीं, 0.09 नहीं समझ में आता, इसे यहाँ पे माइनस कर दो। लो लो बताओ, 7 में 8 जाता है क्या, 7 में 8 जाता है नहीं, तो कैरी लेगा कितना बेचारा बच गया, सिर्फ 17 रुपया, 17 में से 8 गया तो कितना गया 9, अब 8 था तो ये कैरी लेगा, इसके पास कितना बचा होगा 7 बचा होगा है ना, 7 में 7 गया तो 0, 5 में 5 गया तो 0। समझ में आया, ठीक है। इनटू कितना होगा, इनटू हो जाएगा 10³, इनटू कितना हो जाएगा 10³, ठीक है। तो इतना का इंक्रीज कर दिया, कितना का, इतना का इंक्रीज कर दिया, इतने का नंबर का इंक्रीज कर दिया। क्लियर, क्लियर, यस सर। तो अब हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे इंक्रीज की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे इंक्रीज की जगह, ये लिखते हैं 0.09 × 10³। ओरिजिनल वैल्यू की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 5.78 × 10³ और इंटू 100। देखो ये 10³, ये 10³ कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा सर बिल्कुल। देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो डेसिमल हटाएंगे तो 2 0, नीचे 100 आएगा, ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0, वो तो कट जाएगा, ठीक है। अब बस क्या हो गया, ये वाले वैल्यू कटता है क्या, देखो तो 300 तो कटता नहीं, इससे तो कटता नहीं, तो देखो सॉल्व करेंगे। 9 है सिर्फ, है 9 बचा, 9 × 100 कितना हो जाएगा 900, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 5.78, क्लियर है ना,
दो से कुछ 1.5% के आसपास होगा, मतलब डिवाइड कर दोगे तो 1.5 नहीं 1.7 के आसपास होगा, 1.7 या 1.8% का। क्लियर बच्चों? यस सर। डिवाइड या कर सकते हो वैसे ही हो कुछ 900 डिवाइड पर कितना हो जाएगा 578, वन टाइम जाएंगे तो हो जाएगा 578। 100 रुपया कितना हो गया भाई, हो गया 422 रुपया, 322 रुपया। ठीक है, डेसिमल दिए, डेसिमल दिए कितना बार गया, 6 तो जाएंगे 1.5 ही होगा, 6 टाइम होगा 1.5 ही होगा। ठीक है, 1.5% के आसपास होगा। चलिए क्लियर, लिख लिए? यस सर। ओके वेरी गुड। चलो एक सिंपल क्वेश्चन से हम लोग आज का क्लास समाप्त करेंगे। देखो 800 ऑरेंज था, कितने ऑरेंज थे? देर आर 800 ऑरेंजेस, 800 ऑरेंज थे। ठीक है, उसमें क्या हो गया, 80 ऑरेंज ना रोटेन हो गया। रोटेन मतलब समझते हो? रोटेन मतलब समझते हो? सड़ गया। ठीक है, इतना ऑरेंज रोटेन हो गया। तो हमको निकालना परसेंटेज ऑफ गुड ऑरेंजेस, फाइंड द परसेंटेज ऑफ, कितने ऑरेंज बचे अच्छे ऑरेंज, कितना बचा है ये निकालना। ठीक है, तो कितना अच्छा, 800 ऑरेंज में से 80 सड़ गया, तो कितना अच्छा ऑरेंज बचा, 720। गुड ऑरेंजेस कितना बचा, है ना, गुड ऑरेंजेस बचा मेरा, क्वेश्चन था 800 में मेरा 80 माइनस हो जाएगा, 720। ठीक है, इतना डिवाइड किससे करेंगे, कौन बताएगा डिवाइड किससे करेंगे, इससे कि इससे सर? 800 मतलब परसेंटेज निकाले, परसेंटेज ऑफ गुड ऑरेंजेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 720 डिवाइड बाय टोटल इतना था ऑरेंज इनटू 100 कर देंगे, 100 कट गया, ये हो जाएगा 8 का टेबल में कितना जाता है, 9 × 10 कितना हो गया, 90% सर, 90 सही है, 90% गुड ऑरेंजेस था और 10% खराब ऑरेंजेस था। हम रहते पता क्या करते हैं, हम करते ना पहले कितना सड़ गया ऑरेंज वो निकालते हैं, सड़ा हुआ आसान है ना, सड़ा हुआ कितना 80, डिवाइड किससे करेंगे 800 से करेंगे, इनटू 100। तो अगर आप देखोगे तो कितना आ गया, ये आ गया 10%, कितना आ गया 10%, टोटल होता है 100 से माइनस कर दे तो पता चल जाएगा 10% सड़ गया तो कितना परसेंट अच्छा बचा, 90%। समझ में आया? बोलो, टोटल होता 100%, 100% में 10% सड़ा हुआ है तो कितना अच्छा बचा होगा, 90%। ठीक है, yes,